हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे अपनी वॉइस को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे आप अपनी वॉइस में से नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप कैसे अपनी वॉइस को इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फ्री सॉफ्टवेयर जो कि आपको लैपटॉप या पीसी में अवेलेबल हो जाएगा, और आप कैसे इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी वॉइस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज़, आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे जाके आपने सर्च करना ओडेस सिटी डाउनलोड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सर्च कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आपके पास पहला लिंक खुल के आ जाएगा, तो आपने इस लिंक को ओपन कर लेना और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुछ स्टेप वेरिफिकेशन मांगेगा आपके, वन मोर स्टेप, जैसे आपने ये कंप्लीट कर देना आई एम ह्यूमन, तो यहाँ पे कुछ मांगेगा, तो ये कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे ये मोटरसाइकिल के बारे में पूछ रहा है, तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा सेम, चलिए करते हैं। तो ये गाइज मेरा हो चुका है स्टेप कंप्लीट, तो अब मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए गाइस, मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपने जाना नीचे, और यहाँ पे जाके आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड ऑडेसिटी फॉर विंडोज़ मैक और लिनक्स। तो यहाँ पे जाके आपने सिंपली क्लिक कर देना, और वहाँ पे जाके जो भी आपका कंप्यूटर होगा, जिस बेस पे होगा, जैसे कि मेरा विंडोज़ पे है, तो मैं यहाँ पे विंडोज़ का डाउनलोड कर लूँगा। मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, तो मैंने क्लिक करा तो मेरा डाउनलोड होने लग गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ, तो मैं फिर से इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। तो डाउनलोड होने के बाद आपने इसको गाइस इंस्टॉल कर लेना अपने पीसी में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है, ये देखिए। तो उसके बाद गाइस आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपनी वॉइस को इसमें ही एडिट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया इसको। तो अब मैं अपनी वॉइस को इसमें ऐड करूँगा। ऐड करने का काफ़ी सिंपल मेथड है, जैसे आप वो अपनी वॉइस को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और यहाँ पे भी आप जाके कर सकते हैं, फाइल में जाके, कुछ न्यू जाके इसमें भी कर सकते हैं। वैसे सिंपल मेथड है, ड्रैग एंड ड्रॉप करें। और यहाँ पे जब आपने गाइस अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना या अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना, ध्यान रखिए कि पहले कुछ सेकेंड्स, 5 या 10 सेकेंड उसमें बिल्कुल श्योर ना हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये गाइज हमने इसलिए ऐसे रखा है क्योंकि यहाँ से हम अपनी नॉइस प्रोफाइल को उठाएंगे और पूरी साउंड में ही ये सेम नॉइस प्रोफाइल को अप्लाई कर देंगे। इससे आपकी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉइस रिडक्शन होगी। तो भाई चलिए, इस वॉइस तो उसके उससे बाद आपने यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना अपनी वॉइस को, जो कि नॉइस रिडक्शन है, जहाँ पर मैंने कहा कि आपने यहाँ पे बिल्कुल भी शांत, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जाना आपने इफ़ेक्ट्स पे, इफ़ेक्ट्स पे जाके आपने यहाँ पे आपका ऑप्शन दिखा है नॉइस रिडक्शन का, नॉइस रिडक्शन पे आपने क्लिक कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना स्टेप वन, गेट नॉइस प्रोफाइल। इस वॉइस को सिलेक्ट करके, जो जहाँ पे आप कुछ नहीं बोल रहे, उसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक, तो ये मेरी नॉइस प्रोफाइल हो चुकी है सिलेक्ट। उसके बाद आपने कंट्रोल ए दबाना है, या आप मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल को। तो मैं कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से आपने इफेक्ट्स में जाना, और वहाँ पे जाना फिर से आपने नॉइस रिडक्शन में, वहाँ पे जाके आपने यहाँ पे ये सेम सेटिंग्स कॉपी कर लेना। वैसे आपके बाय डिफ़ॉल्ट ये होगी, अगर आपके ये नहीं होता तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सेम कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे रिड्यूस पे टिक कर देना, और यहाँ पे आपने ओके कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये देखिए, मेरी काफ़ी ज़्यादा नॉइस रिड्यूस हो चुकी है, जैसे गाइस आप देख सकते हैं। ये मेरी वीडियो को इंट्रो है, जो आप पहले सुन के आए हैं अभी, ये देखिए। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे अपनी वॉइस को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे आप अपनी वॉइस में से नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में, तो ये देखिए गाइस, अब मैं आपको बिना नॉइस रिडक्शन के साउंड सुना दूँ एक बारी।
हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे अपनी वॉइस को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे आप अपनी वॉइस में से नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये देखो गाइस, काफ़ी ज़्यादा इसमें शोर आता है बिना नॉइस रिडक्शन के। जब हम नॉइस रिडक्शन लगा देंगे तो शोर नहीं आएगा। ये देखिए, अगर आपकी एक बार में नॉइस रिडक्शन कम नहीं होती तो इस प्रोसीजर को आप रिपीट कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को आप दो बारी भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने दो बारी रिपीट कर दिया और ये देखिए, मेरी और ज़्यादा नॉइस रिडक्शन हो जाएगी। ये देखिए। हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे, सिर्फ आपकी वॉइस ही आएगी क्लियर, बाकी जो पीछे पीछे होगी बैकग्राउंड में वॉइस, वो सभी इरेज हो जाएगी, वो सभी रिमूव हो जाएगी। जैसे कोई भी बाइक निकल रहा होगा या कोई कार या एक्टिवा कुछ भी निकल रहा होगा पीछे से, वो सभी रिमूव हो जाएगी आपकी वॉइस में से, सिर्फ आपकी वॉइस ही क्लियर आएगी। उसके बाद अगर आपकी वॉइस में ट्रबल ज़्यादा करना चाहते हैं और बेस कम करना चाहते हैं, सिंपली गाइस आपने उस पोर्शन को सिलेक्ट करना है और वहाँ पे इफेक्ट्स में जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस एंड ट्रबल, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको वॉइस कम लग रही है, जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं वीडियोस, अब हमें वॉइस अपनी कम लग रही होती है, कहीं फ़ोन में हम देखते हैं तो कम आती है, हेडफोन लगा के देखते हैं तो कम आती है, उसको बढ़ाने के लिए सिंपली गाइस आपने सिलेक्ट करना अपनी ऑडियो को और वहाँ पे जाके अपने इफेक्ट्स में जाना। इफेक्ट्स के बाद आपने एम्पलीफायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही बता देगा कि आपकी वॉइस को कितना इम्प्रूवमेंट हो चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने कर दिया, तो ये मेरी और ज़्यादा वॉइस इम्प्रूव हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब गाइज आपने अपनी वॉइस को एडिट कर लिया, उसके बाद जब हमने एक्सपोर्ट करना है इसको, तो उसके बाद यहाँ पे अपने फाइल पे जाना और एक्सपोर्ट पे जाना और यहाँ पे एक्सपोर्ट एज MP3 करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और वहाँ पे जाके आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटरेट को, ये क्वालिटी है, जो यहाँ पे अपने इनसेन को सिलेक्ट कर लेना। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका स्टैंडर्ड पे होगा, यहाँ पे अपने इनसेन को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे अपने बिटरेट मोड को प्रीसेट पे करना। और यहाँ पे आप रीनेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इंट्रो, सेव कर देना आपने, तो ये यहाँ पे आपने ओके कर देना, तो ये आपके कुछ टाइम लेगा और आपकी वॉइस सेव हो जाएगी। और इस वॉइस में आपकी सारी नॉइस रिड्यूस हो चुकी है, सिर्फ आपकी वॉइस क्रिस्प होके आएगी। आई होप गाइस, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपने वॉइस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे आप नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्पफुल है। और गाइस आपको पता होगा, जो मार्कस ब्राउनली है वो भी इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है अपनी वॉइस को एडिट करने के लिए। ये गाइस सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, तो इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। बस आपके लिए आपको एक लैपटॉप या पीसी चाहिए होगा, उसमें आप इसको डाउनलोड करके और आप जैसे मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस।